आज बहुत दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली सोन रॉड बाबा से मिलने बाबा के घर आए हुए हैं। अरे ये क्या बाबा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा तो फालतू में ही अपना हाथ पैर हवा में मार रहे हैं। वो लगता है बाबा किसी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड बाबा को देखने में लगे हुए हैं। तभी सोन रॉड से कहता है, क्या बाबा हमें यही सब दिखाने के लिए अपने घर पे बुलाए हैं? रॉड कहता है, मुझे क्या पता सोन, तुम खुद ही बाबा से पूछ लो। रॉड की ये बात बाबा सुन लेते और कहते, तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तभी गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आप हमें जल्दी जल्दी में यहाँ पे अपने घर पे क्यों बुलाए हैं? आखिर इतनी रात को कौन से जरूरी काम पड़ गए? बाबा कहते हैं, अरे पागल, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बुलाया हूँ क्या? तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे तो खुद भी कुछ नहीं पता कि मैं तुम लोगों को अपने घर पे क्यों बुलाया हूँ। मैं तो बस पुलिस वाले के कहने पे तुम लोगों को अपने घर पे बुलाया हूँ। पता नहीं क्यों पुलिस वाले ने तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी पुलिस स्टेशन में क्यों आने को कहा है। कहीं तुम लोगों में से किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं किया है ना? बाबा की ये बातें सुनकर सारे लोग डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा हमें डरा क्यों रहे हैं? तभी सोन कहता है, हाँ हाँ बाबा, सच सच बताइए ना, पुलिस वाले हमें पकड़ने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं ना? मुझे क्या पता सोन कि पुलिस वाले हम सबको क्यों बुला रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने सबको लेकर थाने में आने को कहा है। पता नहीं आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर अभी तक क्यों नहीं आए। बाबा ये सब बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे रेड क्रिमिनल, आलोक और स्काइलर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड इन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये देखो गुल्ली बुल्ली, ये तीनों भी आ गए। रेड क्रिमिनल कहता है, चलिए बाबा कहाँ जाने के लिए बुलाए हैं? बाबा गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी पुलिस स्टेशन। ज्यादा कुछ मत सोचो, चलो वहीं जाकर अब पता चलेगा। बाबा की ये बात सुनकर सारे लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाइक पे बैठ जाते हैं। बाबा भी अपना बाइक निकाल लेते हैं और फिर सारे लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। बाबा के बाइक के पीछे रॉड बैठा हुआ है। रॉड बाबा से धीरे से कहता है, बाबा सच सच बताइए ना, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाबा रॉड से कहते हैं, अरे रॉड तुम थोड़ी देर चुपचाप बैठो ना, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे ये क्या, ये तो सचमुच का पुलिस स्टेशन है, कहीं बाबा सचमुच सबको पुलिस स्टेशन ही लेकर तो नहीं आ रहे ना? अरे ये क्या लगता है, पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के बाहर में खड़े होकर बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाला से कहता है, और कितना टाइम लगेगा उन लोगों को यहाँ आने में, क्या वो लोग सच में हमारी मदद करने के लिए आएंगे ना? तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, हाँ सर, बाबा हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, मैंने बाबा से थोड़ी देर पहले ही फोन पे बात किया, वो सबको लेकर आते ही होंगे। पुलिस वाले आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बाबा सबको लेकर आ जाते हैं। बाबा जल्दी जल्दी में बहुत तेज बाइक चलाकर सबको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस वाले को बाहर खड़ा देखकर सब लोग थोड़ा डर जाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले इन लोगों को किसी मामले में जेल में डालने के लिए बुलाए हैं। तभी एक पुलिस वाला बाबा से कहता है, बाबा आपको आने में इतना लेट क्यों हुआ? बाबा कहते हैं, हाँ वो तो हो गया, लेकिन अब वो सब छोड़ो, बोलो क्यों बुलाया है हमें? बाबा मैं बताता हूँ, एक पागल किलर है जो जेल से निकलकर भाग गया है। उस किलर के डर से पूरा का पूरा शहर के लोग डरे हुए हैं। हमें उस किलर को जल्दी पकड़ना होगा, हम लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। हाँ तो जल्दी करो, चलो उसे ढूंढते हैं इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, हाँ बाबा जल्दी चलिए, हम तो आपके ही आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर सारे लोग उस किलर को ढूंढने के लिए पुलिस वाले के जीप के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा बाजार में तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं पर भी एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे ये किसका पोस्टर लगा हुआ है? कहीं ये वही किलर तो नहीं है ना जिसके बारे में पुलिस वाले बाबा को बता रहे थे? अरे ये क्या, इस किलर को पकड़वाने वाले को 1,00,000 का इनाम भी मिलेगा। ये सारे लोग उस किलर को ढूंढने के लिए पुलिस वाले के जीप के पीछे पीछे पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं कि कहीं ना कहीं वो किलर दिख जाए और पुलिस वाले उसे पकड़ लें। रॉड कहता है, बाबा आपने देखा उस दुकान के आगे किलर का पोस्टर लगा हुआ था? हाँ रॉड देखा मैंने, मैंने तो वो पोस्टर कल ही देख लिया था जब मैं मिठाई लाने के लिए बाजार गया था। बाबा के मुंह से मिठाई का नाम सुनते ही सोन कहता है, देखा रोड, बाबा अकेले अकेले मिठाई लाकर खा लिए और हमें तो पूछे तक नहीं। अरे क्या सोन, मिठाई तो कल रात को ही लाकर मैं सारा खा गया, तो फिर आज मैं तुम लोगों को क्या पूछता? सोन और बाबा की ये सारी बातें सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। ये लोग रास्ते में मजाक मस्ती करते हुए उस किलर को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ दिखाई देता है और फिर पुलिस वाला एकदम से अपनी जीप को रोक देता है। अरे बाप रे, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है? पुलिस वाले इस अजीब सी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बाबा पुलिस वाले से कहते हैं, क्या हुआ, आपने यहाँ पे अचानक से जीप को क्यों रोक दिया? तभी पुलिस वाला बाबा को देखता है और कहता है, बाबा हमने जीप को ऐसे ही नहीं रोका है, आप जरा जीप के आगे आकर देखिए। बाबा आलोक और रॉड बाइक से उतरकर आगे आकर देखते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो उस जानवर के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए हैं, कहीं वो जानवर बाबा को काट ना ले। ये देखकर पुलिस वाला बाबा से कहता है, बाबा आप उसे हाथ मत लगाइए, चलिए पीछे हट जाइए।
ये सुनकर रॉड कहता है हाँ बाबा छोड़िए इसे, अभी हमें उस किलर को पकड़ना है, इसे हम बाद में देख लेंगे, चलिए अब यहाँ से जल्दी। तभी आलोक कहता है अरे लेकिन ये है क्या चीज, ऐसा तो पहले मैंने कभी नहीं देखा है। बाबा कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। रॉड कहता है बाबा अभी हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, चलिए जल्दी उस किलर को पकड़ने चलते हैं। रॉड की ये बात सुनकर बाबा गुस्से में रॉड की तरफ मुड़ते हैं, अरे क्या रॉड तुम इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो, मुझे सोचने तो दो कि मैंने इसे कहाँ देखा है। अरे हाँ याद आया, जब मैं कल रात को मिठाई लाने के लिए गया था तो मिठाई की दुकान के बाहर ये पड़ा था, लेकिन वहाँ पर तो ये मरा हुआ पड़ा था, तो फिर ये यहाँ पे जिंदा कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब, और मुझे ये कुछ कुछ डॉगी के जैसा क्यों लग रहा है, कल मेरे घर के बाहर से भी एक डॉगी अचानक से गायब हो गया। हाँ बाबा की बात में तो दम है, ये मुझे भी डॉगी के जैसा ही लग रहा है। रॉड कहता है तो क्या आप लोग हम लोगों से कुछ छिपा रहे हैं। अरे नहीं रॉड हम लोग कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, तुम खुद ही देखो ये डॉगी के जैसा नहीं लग रहा है क्या। पुलिस वाले की यह बात सुनकर रॉड कहता है हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है। अरे ये क्या बाबा तो उस जानवर को छू रहे हैं। रॉड कहता है अब चलिए बाबा बहुत देर हो रहा है। और फिर सारे लोग उस जानवर को उसी रोड पे छोड़कर किलर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाबा बाइक चलाते चलाते बस यही सोच रहे थे कि कहीं कोई कुत्ते की नई बीमारी तो नहीं आ गई है ना, जो सारे कुत्ते में धीरे धीरे फैल रही है। अरे ये क्या, ये तो ही पागल किलर है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन इस किलर के हाथ में ये क्या है। अरे ये क्या, इस पागल किलर ने तो उस छोटे से पपी को किक लगा दिया। ये देखकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। अरे अब ये किलर क्या करने वाला है। अरे ये क्या, इस किलर ने तो पपी को सुई लगा दिया। पपी को सुई लगाकर ये पागल किलर खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सोन कहता है ये पागल उस बेचारे छोटे से पपी को क्यों मार दिया, वो छोटा सा पपी कितना प्यारा था, मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता। पुलिस वाला अपना गन निकालता और उस किलर को सरेंडर होने को कहता है, चुपचाप जीप के अंदर आकर बैठ जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। तभी वो किलर पुलिस की बात को नहीं मानता और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। और इधर वो छोटा सा पपी दर्द से तड़प रहा है। ये देखकर पुलिस वाले को किलर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर पुलिस वाले आपस में फैसला लेते हैं कि वो इस किलर को गोली मार देंगे। गोली लगते ही किलर जमीन पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रॉड कहता है देखो सब लोग उस पपी को क्या हो रहा है। अरे ये क्या, ये पपी भी उसी जानवर के जैसा बन रहा है जैसा इन लोगों ने रास्ते में देखा था, लगता है ये किलर के उसी जहरीले इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। बुल्ली कहता है ठीक हुआ कि पुलिस वाले ने उसे मार दिया। सोन कहता है हाँ अच्छा किया पुलिस वाले ने, अगर वो उसे नहीं मारते तो मैं जंगल के अंदर जाकर उसे ढूंढ कर मारता। बाबा पुलिस वाले से कहते हैं हाँ तो अब हम लोग क्या करें, उस किलर को तो आप लोगों ने ही मार दिया। हाँ बाबा वो तो है, लेकिन हम लोग कल से ही ढूंढ ढूंढ कर उसे परेशान हो गए थे, वो हमारे हाथ लग ही नहीं रहा था, लेकिन आज फाइनली वो मारा गया। बाबा कहते हैं हाँ अच्छा ही हुआ कि आप लोगों ने उसे मार दिया। तभी दूसरा पुलिस वाला बाबा गुल्ली बुल्ली सोन और सारे लोगों से कहता है आप लोग हमारी मदद के लिए हमारे साथ आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं अरे इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, ठीक है अब हम लोग चलते हैं। ये बोलकर बाबा अपने साथ सारे लोगों को लेकर घर चले जाते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।